जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ सभी मेरे मित्रगण अच्छे होंगे। दरअसल दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, छोटी सी वीडियो के माध्यम से पूरी खबर दूंगा। दरअसल दोस्तों चाइना और तुर्की का भौकाल बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि दोस्तों भारत की तरफ से जो ऐलान कर दिया गया है, यानी भारतीय साइंटिस्टों ने कुछ ऐसा कमाल करके दिखा दिया है जो कि भारत के विरोधियों की यानी चाइना और तुर्की जैसे देशों की नींद उड़ा देगा। क्योंकि दोस्तों चाइना और तुर्की अपने ड्रोनों का काफी ज्यादा दम भरते हैं, और इसी कड़ी में दोस्तों भारत ने अपने हाई एटीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाले ड्रोन हथियार यानी कि हेल और इसी के साथ अनमैंड कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल जैसे हथियारों का खुलासा किया। यानी कि भारत ने अपने ऐसे ड्रोन हथियारों का खुलासा किया जिससे चाइना और तुर्की जैसे विरोधी देशों की नींद उड़ गई, और भारत के स्वदेशी ड्रोन चाइना और तुर्की के भौकाल को ड्रोन की मार्केट में खत्म कर देंगे। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात तो यह है कि अगले साल से ही भारत के ये स्वदेशी ड्रोन रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे। यही कारण है कि आने वाले समय में भारत के इन स्वदेशी ड्रोन हथियारों को भारतीय सेनाओं में काफी ज्यादा बड़े पैमाने में शामिल करने की तैयारी की जा रही है, जैसा कि भारतीय स्वदेशी हेल ड्रोन, घातक ड्रोन, और केवल इतना ही नहीं दोस्तों इनके अलावा स्वदेशी रुस्तम 2 और आचरज जैसे ड्रोन भी शामिल है इसी लिस्ट के अंदर। लेकिन दोस्तों डीआरडीओ के साइंटिस्टों की मानी जाए तो भारत के जो स्वदेशी हेल ड्रोन है और जो घातक ड्रोन है, ये तकनीकी क्षमताओं के मामले में और साथ ही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के मामले में भी मौजूदा समय के किसी भी ड्रोन से काफी ज्यादा बेहतर होने वाले हैं। और इसके अलावा भारतीय डीआरडीओ का कहना था कि भारत ने भले ही इन अत्याधुनिक ड्रोन हथियारों के क्षेत्र में काफी ज्यादा देरी से कदम रखा, लेकिन भारत ड्रोन हथियारों के क्षेत्र में और इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बिल्कुल भी किसी भी देश से पीछे नहीं रहेगा। जिसके पीछे सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि भारत मौजूदा समय भी मानव रहित यानी कि जो ड्रोन हथियार है और इनकी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, उनके ऊपर अभी से कार्य कर रहा है। और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, ड्रोन हथियारों से रिलेटेड जितने भी संसाधन है यानी कि इन हथियारों को बनाने में जो भी आवश्यक उपकरण है, वो सभी भारत में ही स्वदेशी रूप से बनाए जा रहे हैं, जिससे एक बात की पुष्टि हो जाती है कि भारत लास्ट मूवर नहीं, भारत फास्ट मूवर है। क्योंकि भारत इस क्षेत्र में काफी ज्यादा देरी से आया और अब हमारे वैज्ञानिकों की मदद से हमारी स्वदेशी टेक्नोलॉजी से तुर्की और चाइना के ड्रोनों को पीछे छोड़ने का दम भर रहा है। क्योंकि दोस्तों पहले के समय में भारत की तरफ से ड्रोन हथियारों के क्षेत्र में ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया जाता था, लेकिन दोस्तों मौजूदा समय में भारत इन क्षेत्रों में भी काफी ज्यादा तेजी से कार्य कर रहा है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम में आप सभी मित्रगणों के जो भी विचार है कमेंट्स करके अपने अवेलेबल विचार जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।